वहां पे अनाउंसमेंट करके आ गए थे कि इसको री नोटिफाई कर देंगे, परंतु आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार से ग्रुप डी की, जो हमारे ग्रुप डी की हरियाणा की जो भर्ती सेवा नियम थे 2019, उसके अंदर भी एक संशोधन के तहत आज उसको मंजूरी दी है। उसमें ग्रुप डी में ये नियम था, 5 अंक उस बच्चे को मिल रहे थे जिसके परिवार के पिता, माता, भाई, बहन कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। ये हमारी क्लैरिकल मिस्टेक थी हमारे, जो उस संशोधन के अंदर उसको ठीक करने की बात थी, परंतु उसमें ये मेंशन नहीं किया गया जो स्वयं ग्रुप डी में भर्ती हो गया मान लो और उसने किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो उसको वो बेनिफिट उसमें भी मिल गया। तो अब हमने इसमें यह कहा कि एप्लीकेंट आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली, उसके परिवार में से स्वयं फार्म भरने वाला और उसके परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसको 5 अंक का लाभ कब मिलेगा। एक इसमें और पिछले दिनों में शिकायतें वो लोग आ रहे थे, जैसे किसी ने एक मिनट ग्रुप डी का, जैसे एक बंदे ने ग्रुप डी की ले ली, वो 5% मिल गया और बाई चांस उसको उसने ज्वाइन भी नहीं करा और उसको दूसरे महकमे में अपर साइड में नौकरी मिल जाती है, तो उसको फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं यही कह रहा हूँ ना, यदि आपने उसमें हमने जो संशोधन किया, मैं आज उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात का जवाब मैं एक मिनट के बाद दूंगा। हमने ये पहले से मनसा तो यही थी कि जिसके परिवार को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिला उसमें ये तो मेंशन कर दिया, परंतु जो एप्लीकेंट है उसने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, ग्रुप डी में 5 नंबर ले गया, परंतु उसने ज्वाइन नहीं किया जैसे आप कह रहे हो, परंतु उसको दूसरी नौकरी मिल गई या जिसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद दूसरी नौकरी मिल गई, ग्रुप सी की मिल गई या कोई भी मिल गई, वो उसमें भी वो लाभ ले गया, परंतु ये एडवर्टाइजमेंट एक या दो ही हुई है अभी तक। तो आगे से इसमें सुधारीकरण के लिए आज ग्रुप डी के लोगों को एक प्रकार का ये संशोधन हमने किया है, जो एप्लीकेंट ज्वाइन कर गया उसके बाद यदि किसी अपर पोस्ट के लिए या किसी और पोस्ट के लिए भी हो जाएगा उसको 5 अंक का लाभ नहीं मिला। उसके उसका लाभ मिलेगा उसको। हाँ जी बिल्कुल। जो ज्वाइन करके वो तो ये माना जाता ना कि नौकरी पा ली, नहीं दिक्कत नहीं आई, जो दो ही एडवर्टाइजमेंट ऐसी आई है अभी तक और तीसरी एडवर्टाइजमेंट बस 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 उसमें संशोधन किया सिर्फ। इसी प्रकार से जिला नू में